ये ऐड स्किप नहीं होगा, तो बेल आइकन पर दबाइए और सबसे पहले हमारे चैनल की अपडेट पाइए। हे गाइस, आई एम मिकी एंड यू आर वॉचिंग द हिंदी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के लिए हम बात करने वाले हैं, आपने सैमसंग एसेट में फेस अनलॉकिंग वाला फीचर देखा होगा, कैसे आप उसको किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्ले स्टोर पर जाना है, ये वाली एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिया हुआ हूँ, तो सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और किस तरह से इसको सेटअप करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में आपसे एक पिन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो हम पिन क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हमको इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आप स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, देन आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। इसमें सभी वो एप्लीकेशन आपके दिखा देगा जो आपने इंस्टॉल की हुई है या जो इंटरनली इंस्टॉल हुई आई है। देन हमारे पास एक ऑप्शन आता है, मिनिमम खोलते हैं तो आप आता है फेस लॉक का, आपको फेस लॉक करना है, ठीक है। तो फेस लॉक ऑन करने के लिए आपको इसमें पहले फेस डालना पड़ेगा, देन तभी वो अपने फेस को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद ही किसी एप्लीकेशन को या लॉक स्क्रीन को जो खोलेगा, तो इसके लिए हमको पहले अपना फेस डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपना फेस इसके अंदर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डाटाबेस है जो डाउनलोड हो रहे हैं, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये डेटाबेस कंप्लीट हो चुका है और अब आ रहा है कि हमने कैमरे को पकड़ के रखिए अपनी आई के सामने और इसको एनेबल नाउ पर क्लिक कीजिए। तो इसने अपना फेस लॉक कर लिया है और अब हम किसी भी एप्लीकेशन को इसके थ्रू अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, स्क्रीन लॉक का और ऐप लॉक का। तो स्क्रीन लॉक तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा फ़ोन है, जैसे ही मैं स्क्रीन लॉक करूँगा तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो जाएगी। तो हम यहाँ पर किसी और चीज़ को लॉक करके देखेंगे। तो हमने ये दो एप्लीकेशन ले ली है, एक तो पेटीएम ले ली है और एक सेटिंग, हम इन दोनों को लॉक करेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि आप किस तरीके से इसको लॉक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, तो ये वाली एप्लीकेशन आप कुछ जो खुलेगी तो वो फेस से खुलेगी, ठीक है। तो हम पेटीएम खोल के देखते हैं, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, इसने पेटीएम की एप्लीकेशन को जो है वो उसको फेस से अनलॉक कर दिए। अब हम कोशिश करते हैं सेटिंग खोलने के लिए। तो मुझे तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी लगी और आप इसको रेटिंग भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग इसको मिली हुई है, 4.5 की रेटिंग। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि यह एप्लीकेशन कितनी यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद और बने रहिए दी हिंदी टेक्निकल के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।